बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 में मिल गया। संविधान के अंदर सुधार हुआ, राइट टू एजुकेशन मिला, आज कश्मीर में नहीं है। मैं आपके माध्यम से जो लोग 370 के लिए बोलते थे, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे चिदम्बरम साहब हो, चाहे गुलाम नबी आजाद, क्यों कश्मीर के घाटी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब 370 के एडवोकेट्स ने देना था। क्यों नहीं मिला उनको वो अधिकार? क्योंकि यहां संविधान का हमने जो सुधार किया वहां स्वीकृत नहीं किया। अब कोई जरूरत नहीं है, कल अगर लोकसभा इसको पारित करती है तो ये शिक्षा का अधिकार कल रात से जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को मिलेगा, हर बच्चे को मिलेगा। मान्यवर, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आते, क्यों जाएंगे वहां? कौन प्रोफेसर वहां पढ़ाने जाएगा? कौन अपना पैसा निवेश करेगा? इसके नाम पर तो संपत्ति नहीं हो सकती, एप्रिसिएशन होगा वो उसको फायदा नहीं मिलेगा, कौन भला जाकर वहां पढ़े? और क्यों पकड़ कर रखना चाहते हैं तुमसे, कारण क्या है? मैं नहीं समझ पाता। मान्यवर, कोई कारण हो तो बताना चाहिए। आप अचानक बिल लेकर आए, हमें मौका नहीं दिया, हमें ये नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, हम तो साहब राष्ट्रहित का बिल लेकर आए थे। आप इंदिरा जी को अलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लेकर, उसी दिन पारित करकर इस देश की डेमोक्रेसी को, और हमें उपदेश देते, हमें उपदेश देते। मान्यवर, मैं बताता हूं, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, मान्यवर, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, वो बिल के अंदर मैं मानता हूं, मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है, और सात अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। शेड्यूल बताते, शेड्यूल वन में जम्मू कश्मीर राज्य है। गुलाम नबी साहब ने बताया कि शेड्यूल वन में जम्मू कश्मीर राज्य है। मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर राज्य है वो तो मैं मानता हूं, मगर मुझे बताइए कि भारत की दोनों संसद जो कानून पारित करती है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है क्या? सरकारें कानून सरकार चलाने के लिए नहीं बनाती, सरकारें कानून नागरिकों के भले के लिए बनाती है, भले के लिए।